दोस्तों भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऋषि बोलता हुआ नजर आने वाला है कि जो हो रहा है लक्ष्मी के साथ में वो सही नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी को लगातार ताने पर ताने सुनने को मिल रहे हैं और ताने देने वाला शख्सियत कोई और नहीं है बल्कि आप लोगों के बीच में देखने को मिल ही रहा है कि कितनी चालाकी के साथ में मलिष्का और नीलम अपने रास्ते से लक्ष्मी को हटाने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि इस समय बेहद ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, और कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए ही बनी हुई है क्योंकि जो हो रहा है वो भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नीलम, करिश्मा, मलिष्का, मलिष्का की मॉम किरण, सभी लोग इस समय और करिश्मा सभी लोग लगातार एक से बढ़कर एक एक नए नए प्लान खेल रहे हैं ताकि लक्ष्मी चली जाए। और लक्ष्मी ने इसीलिए घर छोड़ने का फैसला किया था, यानी इसलिए ही निर्णय लिया था। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, फिलहाल एक नई अपडेट और निकल कर आती हुई सामने आ रही है जहां पर लक्ष्मी ने खुद ने बोला है कि अब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, क्योंकि लगातार अपमान पर अपमान सहना पड़ता है सभी लोगों को। जी हाँ, क्योंकि सभी लोग लगातार लक्ष्मी का अपमान करते हैं, इसलिए लक्ष्मी अब उस घर में ना जाने का फैसला करती है और इसीलिए ऋषि का घर छोड़ने पर मजबूर हुई है। हालांकि दोस्तों ऋषि के फादर, ऋषि की दादी, ऋषि आयुष इस समय लक्ष्मी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मलिष्का से बोल दिया है कि मलिष्का अपनी हैसियत से बाहर मत जाओ, हो सकता है तुम्हें पछताना पड़े बाद में। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट।